राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह है हमारे प्रिय लड्डू गोपाल के बारे में। लड्डू गोपाल की छठी क्यों मनाई जाती है, छठी की पूजन विधि क्या है, नामकरण किस प्रकार से करें और लड्डू गोपाल का छठी मंत्र। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए इन सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से। उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और आप लड्डू गोपाल की छठी में क्या क्या करते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है छठी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने रातों रात ही यशोदा के घर में छोड़ दिया था। कंस को ये बात पता लगती है तो वे पूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए यशोदा के पास भेजते हैं और ये आदेश देते हैं कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए। पूतना के गोकुल पहुंचते ही यशोदा बाल कृष्ण को छिपा देती है। श्री कृष्ण को पैदा हुए 6 दिन हो गए थे लेकिन उनकी छठी नहीं हो पाई थी, तब तक उनका नामकरण भी नहीं हुआ था। इसके बाद यशोदा ने 364 दिन के बाद सप्तमी को छठी पूजन किया और तभी से श्री कृष्ण की छठी मनाई जाने लगी। इतना ही नहीं, तभी से बच्चों की भी छठी की परंपरा शुरू हो गई। सनातन परंपरा में किसी भी बच्चे के जन्म लेने के 6ठे दिन शाम या फिर रात को एक विशेष पूजा करने का विधान है जिसे छठी पूजा कहते हैं। जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी से जुड़ा पावन पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी के पावन पर्व की तरह कान्हा की छठी पूजा का यह पावन पर्व भी बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठी पूजा में नवजात शिशु के लिए मंगल की कामना की जाती है। ऐसे में आज भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजा में भी मंगल गीत गाए जाते हैं और उन्हें तमाम तरह के भोग चढ़ाए जाने का विधान होता है। तो आइए जानते हैं कान्हा की छठी पूजा से जुड़ी सभी बातों को। आइए जानते हैं कान्हा की छठी पूजन के दिन क्या किया जाता है। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी बच्चे के जन्म लेने के बाद 6ठे दिन जिस तरह उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसका नामकरण किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कान्हा की छठी वाले दिन उन्हें विधि विधान से स्नान कराने के बाद पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और सभी कृष्ण भक्त अपनी आस्था के अनुसार उनका नामकरण करते हैं। उनके कई प्रसिद्ध नाम हैं जैसे कान्हा, कन्हैया, लड्डू गोपाल, मुरली मनोहर आदि। ये सभी नाम जो है प्रचलित नाम हैं। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण की छठी पूजा कैसे करें। भगवान कृष्ण की छठी पूजा वाले दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें, उसके बाद साफ वस्त्र पहन लें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लड्डू गोपाल को विराजमान करें। उसके बाद सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए दूध, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से बने पंचामृत का इस्तेमाल करें। शंख में गंगा जल भरकर कान्हा का अभिषेक करें। आप अभिषेक करने वाले जल में गंगा जल और गुलाब जल या फिर गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। स्नान करवाते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से स्नान करवाएं। ध्यान रहे पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित होता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर पीले रंग के नए कपड़े पहनाएं और जब कान्हा का श्रृंगार करें तो उसमें उनकी प्रिय बांसुरी और मोरपंख चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा को मुकुट और आभूषणों से सजाएं। श्रृंगार के बाद कान्हा को पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं और पीले पुष्प चढ़ाएं। पीले पुष्पों की माला भगवान को चढ़ाएं। फल आदि चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं। कान्हा के भोग में माखन मिश्री के साथ तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद आप भगवान श्री कृष्ण को उसी नाम से बुलाएं जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो, यानी जो भी नाम आपको उनके लिए पसंद आता हो उन्हीं नामों का आप चयन करें और पूरे साल उसी नाम को संबोधित करते हुए उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं, उनसे बातें करें। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्य करें आप, जो आपने छठी वाले दिन नामकरण किया है, जिस नाम का कान्हा के लिए नाम चुना है, उन नामों को आप प्रयोग सालों भर करते रहें और उन्हीं नामों को सभी क्रियाओं में प्रयोग करें।
उनकी पूजा जब भी करें आप उन्हीं नामों को संबोधित करते हुए पूजा करें। आप अपना मन पसंद नाम चुनाव करें, माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, उनमें से जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो चुन लें और फिर भगवान को इसी नाम से हमेशा पुकारा करें। इसके बाद भगवान के चरणों में अपने घर की चाबी सौंप दें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका पालन पोषण करते रहें। भगवान लड्डू गोपाल से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि की कामना करते हुए प्रार्थना करें। कढ़ी चावल का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और अंत में छठी पूजा का प्रसाद सबको बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजा को विधि विधान से करता है और उन्हें उनकी पसंद का भोग लगाता है उस पर कान्हा की पूरे साल कृपा बरसती है और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि कान्हा की कृपा से कृष्ण भक्त पूरे साल तमाम तरह की विपदाओं और कष्टों से बचा रहता है। लड्डू गोपाल की पूजा या छठी बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे उनके घर में किसी नवजात शिशु की छठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने, भोग लगाने, जप करने, मंगल गीत गाने का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। तो कान्हा की पूजा में उनके मंत्रों का जप करते रहें, उनके लिए मंगल गान करें। जब भी पूजा समाप्त हो जाए तो जिस प्रकार से किसी भी शिशु की छठी के बाद मंगल गीत गाए जाते हैं उसी प्रकार से आप भी मंगल गीत जरूर गाएं। आइए जानते हैं कान्हा की छठी वाले दिन कौन से छठी मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए। छठी मंत्र इस प्रकार हैं: नमो देववे महादेववे सिद्धे शांते नमो नमः, शुभाय देव सेनाय षष्ठी देववे नमो नमः, वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः, सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देववे नमो नमः। षष्ठी देवी संतान की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत का मृत पुत्र पुनर्जीवित हो गया था, इसीलिए छठी पूजा की जाती है। संतान की सुख और समृद्धि और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए छठी माता की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पिरिचुअल सोर्स के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। आप सभी को स्पिरिचुअल सोर्स की ओर से कान्हा की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।